हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस ए न्यू टॉपिक स्केलेटल सिस्टम। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंप्राइजेज ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन। जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर क्या है, बोन्स का फ्रेमवर्क प्रेजेंट होता है और इसी फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं स्केलेटन। इसके क्या फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्टिंग द इंटरनल ऑर्गन्स। स्केलेटन को देख लेते हैं, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, ये सब इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनको स्केलेटन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बचाता है इंटरनल ऑर्गन्स को। गिविंग स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को क्या है, शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है, आकार देता है। अलाइंग मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स, मसल्स की हेल्प से जो बॉडी है उसके अंदर क्या है, मूवमेंट में हेल्प करता है स्केलेटन। प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल, ब्लड सेल की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और जो मिनरल्स है, स्टोरिंग मिनरल जैसे कि कैल्शियम। एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैज़ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स। एक एडल्ट जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसके अंदर क्या है, 206 बोन्स होती है, वो अलग अलग साइज की होती है और अलग अलग शेप की होती है। मोर देन हाफ ऑफ द बोन्स आर इन आर्म्स और लेग। कंप्लीट 206 बोन में से हाफ से ज़्यादा जो बोन है वो हमारे आर्म के अंदर और लेग के अंदर प्रेजेंट होती है। 3 बोन्स आर प्रेजेंट इन ईच ईयर, 3 बोन प्रेजेंट होती है हर ईयर, प्रत्येक ईयर के अंदर। ए न्यू बोर्न बेबी हैज़ मोर देन 300 बोन्स। एक जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसके अंदर 300 से भी ज़्यादा बोन्स होती हैं। दीज बोन्स फ्यूज टू फॉर्म 206 बोन्स इन द एडल्ट। यही बोन फ्यूज होके एडल्ट के अंदर क्या है, 206 बोन रह जाती है, 300 से की कितनी रह जाती है, फ्यूज होने के बाद 206 बोन्स। इधर देख लेते हैं, द स्केलेटल सिस्टम हेल्प अस इन हीयरिंग। जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या है, हीयरिंग में हेल्प करता है। यस, द 3 ईयर बोन्स कलेक्टिवली कॉल्ड ओसिकल्स। ईयर के अंदर 3 बोन्स इकट्ठी प्रेजेंट होते हैं, कलेक्टिवली उनको ओसिकल्स बोला जाता है, जो कि हीयरिंग मैकेनिज्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और एक इनमें से एक बोन है जिसको हम स्टेपिज बोलते हैं, वो ईयर के अंदर ही प्रेजेंट होती है, सबसे शॉर्टेस्ट और हमारी बॉडी की सबसे लाइटेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की, उसको स्टेपिज बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन में बन सकता है, नेम द शॉर्टेस्ट एंड लाइटेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो आंसर आ जाएगा स्टेपिज। या यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अवर बो इन एन एडल्ट, तो 206 बोन। इन ए न्यू बोर्न बेबी, तो आ जाएगा 300 बोन्स। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज स्केलेटन, ये डेफिनेशन हो सकती है। और यहाँ से राइट द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, तो ये पांचों फंक्शन हो जाएंगे स्केलेटल सिस्टम के। ए ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, बैकबोन, रिबकेज, 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स एंड गर्डल्स। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर ये बताया क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्कल, रिबकेज, बैकबोन और लिम्ब्स, ये वाले गर्डल्स जो जॉइंट होते हैं ना, इनको गर्डल बोला है। द स्केलेटन इज डिवाइडेड इन टू ग्रुप। स्केलेटन जो कंप्लीट स्केलेटन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ये यहाँ शो किया हुआ है, अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्जल स्केलेटन। ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये एक्जल स्केलेटन है। इसके अंदर क्या कौन कौन सा पार्ट कंप्राइज होता है, स्कल, रिबकेज एंड द बैकबोन। और जो अपेंडिकुलर रेड कलर में जो शो कर रखा है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, एक तो गर्डल्स इंक्लूड होते हैं और एक लिम्ब्स, जो लेग्स है हमारी वो। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे बोन के स्ट्रक्चर के बारे में, ये यहाँ बोन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे जो इसकी आउटर हार्ड लेयर होती है, हार्ड लेयर को कॉम्पैक्ट बोन भी बोलते हैं, जो इसकी आउटर लेयर होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है, बिल्कुल डेंस होती है। इनसाइड दिस ए लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन, इसके अंदर स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होती है। वो जो बोन के स्ट्रक्चर है यहाँ पर स्पॉन्जी, स्पॉन्ज का मतलब जैसे एक हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट होता है। और ये बिल्कुल लाइट होती है और फ्लेक्सिबल, बिल्कुल लचीली होती है। इन द सेंटर ऑफ द बोन इज ए जेली लाइक बोन मैरो, बोन के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। और बोन मैरो हेल्प करता है ब्लड सेल की प्रोडक्शन के अंदर।